नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एक इंस्टेंट हेयर कलर का। सबसे पहले आप इसके रिजल्ट्स देख लो। मेरे बाल यहाँ पे कहीं पे आपको दिखा दूंगी कि ये कलर करने से पहले कैसा कलर था मेरे बालों का, और कलर करने के बाद अब जो रिज़ल्ट मिला है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये इंस्टेंट हेयर कलर है, 5 मिनट में जैसे शैम्पू करते हैं, बस आप शैम्पू करो और आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। नो एक्स्ट्रा तामझाम, कुछ भी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। द कलर इज़ प्रिस, कोई ब्रांड है BSY, नोनी ब्लैक हेयर मैजिक। नोनी इज़ अ फ्रूट, इट्स अ काइंड ऑफ हर्ब, इट्स अ फ्रूट, और इसका जूस बहुत से लोग पीते हैं बिकॉज उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सो नोनी फ्रूट को यूज़ करके दे हैव मेड दिस ब्लैक हेयर मैजिक कलर, हेयर कलर शैम्पू। इट्स अ काइंड ऑफ अ शैम्पू विद कलर इन इट। तो जैसे हम शैम्पू करते हैं ना, आपको बस वैसे ही लगाना है, 5 मिनट वेट करना है, और उसके बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश करना है, एंड यू गेट दिस फैंटास्टिक कलर। द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि ये नेचुरल नहीं है, ऑफकोर्स, क्योंकि 5 मिनट में कलर देके जा रहा है, सो नेचुरल कैसे हो सकता है। सो ये टोटली केमिकल बेस्ड है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें PPD नहीं है। सो आई ट्राइड इट, जैसे शैम्पू करते हैं वैसे ही इसको मैंने लगाया था। आगे पूरा डिटेल में शेयर करूँगी कैसे पैकेट में क्या लिखा है, क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और क्या आपको ध्यान रखना है। पैच टेस्ट रिकमेंडेड है। सो ओके, बाकी मैंने इसकी क्लिपिंग शूट की है सनलाइट में भी, ताकि आपको धूप में भी दिख जाए। वैसे बालों को इसने काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ बना दिया है, जैसे कि शैम्पू करने के बाद रिफ्रेश हो जाते हैं बाल, बिल्कुल ऐसे ही। एंड वाइल आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, मुझे ये मिला, विच इज़ अपने आप ही गिरा हुआ था, मैंने तोड़ा नहीं है, बट इट्स बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और आई लाइक टू कलेक्ट थिंग्स लाइक दैट। अगर आप भी ऐसा कुछ पागलों वाला काम करते हो तो जस्ट कमेंट डाउन एंड मुझे बताना, शायद मेरे जैसे और भी होंगे। जब केमिकल लगाना ही है तो ऐसा लगाओ ना जो आधे घंटे ना रखना पड़े सर के ऊपर, या एक घंटा या 45 मिनट्स ना लगाना पड़े, क्विक वाला लगा लो। मैं सच बताऊँ तो मैं आई वॉज सो स्केप्टिकल, मैंने इसको 5 मिनट भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे था कि कोई यू नो गलत रिएक्शन ना कर जाए, मेरे बाल झड़ ना जाए, या फिर मुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। तो मैंने इसको हार्डली 3-3.5 मिनट लगा के रखा था, बट द रिजल्ट इज़ अमेजिंग। सो केमिकल लगा रहे हो तो कम टाइम लिमिट वाला लगा के काम चला सकते हो। वैसे आई ऑलवेज प्रेफर नेचुरल प्रोसेस जो इंडिगो और मेहंदी वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये एक स्मॉल सैशे पैकेट में आया था, जैसे किसी आम शैम्पू को आप बाज़ार से ख़रीदते हो, बिल्कुल वैसे ही छोटा सा पैकेट था। और इसमें बिल्कुल भी अमोनिया नहीं यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की है वो है फ्रॉम द कंट्री USA, और क्वांटिटी आपको मिलती है 12 ml, जो कि अगर आपके सिर्फ मेरी तरह फ्रंट में ग्रे बाल हैं तो 2 लोग आराम से लगा सकते हैं। इसकी प्राइस 50 rupees है, विच इज़ टोटली वर्थ फॉर दिस क्वांटिटी। 50 rupees में 2 लोग अपने फ्रंट के बाल बहुत आराम से यू नो कलर कर सकते हैं। आईब्रोज या फिर आईलैशेज आप कलर नहीं कर सकते हो, मुस्टैशेज या फिर बियर्ड कर सकते हो कि नहीं वो इस पर कहीं मैंशन नहीं है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। इस पैकेट में ये एक जेल की फॉर्म में आता है। सो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इस कलर को करने से पहले मेरे ग्रे बाल, और फ्रंट में मेरे काफ़ी ग्रे बाल हैं, स्पेशली द रूट्स। तो अभी इस कलर को मैं यूज़ करके टेस्ट करने वाली हूँ कि ये कैसा इफ़ेक्ट देता है। इस कलर को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ग्लास बोल चाहिए होगा, नॉन मेटालिक बोल आप यूज़ करें, और पैकेट को कट करके इसमें से 2 तरह के जेल निकलते हैं, ट्रांसपेरेंट और एक ब्राउन कलर का, और दोनों किस ऐसे टेक्नोलॉजी से पैक हुए हैं कि वो मिक्स नहीं होते हैं। पैकेट से जब आप निकालोगे तब भी वो अलग अलग ही निकलते हैं, और उसके बाद आप देखोगे जहाँ जहाँ वो मिक्स हो रहे हैं ना, वहाँ वहाँ वो ब्लैक कलर बनता जा रहा है। और उसको फिर मैंने एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इट वुड टेक अराउंड 1 मिनट, अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करें, और उसके बाद अब इसकी एक बार कंसिस्टेंसी देख लो, काफ़ी रनी है तो इसको लगाना बहुत आराम से, अदरवाइज ये ड्रिप करेगा और जहाँ जहाँ स्क्रीन पे लगेगा वहाँ कलर छोड़ जाएगा। बालों को आपको पहले रिंस कर लेना है खाली पानी से, बाल आपके थोड़े गीले होने चाहिए, और उसके ऊपर बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैंने लगाई है, बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड कि अगर यू नो टपक के फेस पे आ जाएगा तो वहाँ पे निशान छोड़ देगा। सो मेक श्योर कि आपके सारे बाल अच्छे से कवर हो जाएं और स्किन को कम से कम ये टच करें। और मैंने इसको 5 मिनट नहीं रखा था, मैंने इसको 3-3.5 मिनट रखा था, और उसके बाद जैसे इसमें मेंशन्ड है नॉर्मल पानी से हेड वॉश कर लिया था। और देखिए आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी भी बची हुई है, एक इंसान और
ऐसे ही अपने बाल इसी पैकेट से कलर कर सकता है। और शैम्पू, इसमें ना शैम्पू जैसा इफेक्ट था, तो शैम्पू अलग से लगाया नहीं मैंने, बस उसको पानी से धो लिया और यहाँ जहाँ जहाँ वो टच हो गया था मेरी स्किन पे वहाँ उसने कलर छोड़ दिया है। आपको दिखा रही हूँ, कलर अच्छा आया है। यहाँ पे आपको ब्राउनिश सा शेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये डार्क ब्राउन ब्लैक जैसा टोन है इसका। बाहर धूप की वजह से थोड़ा सा ये ब्राउन शेड दे रहा है। और अभी मैं छाए में शूट किया है ये, और आपको धूप में दिखाती हूँ। बाल काफ़ी सिल्की एंड शाइनी है, प्लस कलर भी अच्छा है। तो अगर केमिकल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और जल्दी का कोई यू नो चाहिए, तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने यू नो ट्राई करने के बाद क्रीम ट्राई करती हूँ एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक। हेयर कलर आपको बिल्कुल सामने करके दिखाती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट। सो आई मेक रियली ऑनेस्ट वीडियोज ऑफ रिव्यूज और होम रेमिडीज और एनीथिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर इट और सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।